शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान बुधवार को देश भर की 5200 स्क्रीन पर रिलीज हुई। कहीं इस फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है तो कहीं इसका जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच फिल्म पठान को लेकर फिल्म समीक्षक करण आदर्श ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह 2023 की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन पठान मुझे लगता है कि शायद पहली ऐसी फिल्म होगी जिसने मल्टीप्लेक्स के अंदर ताली बजाने को मजबूर किया। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो पठान रिलीज हुई है और जो 2023 की शुरुआत हुई है एक बड़ी फिल्म के साथ, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हुई है। फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर हम सभी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई थी तो उससे अंदाजा लग रहा था कि भाई ये बहुत बड़ी शुरुआत लेगी, ऐतिहासिक शुरुआत लेगी। पर आज का जो कलेक्शन आ रहे हैं वाकई में ऐतिहासिक है। आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, मैं खुद आज एक मल्टीप्लेक्स में अर्ली मॉर्निंग शो में 7 बजे के शो में मैं गया था फिल्म देखने के लिए, और मैं वहां पर फर्स्ट हैंड रिएक्शन देना चाहूंगा। जिस तरह से लोग सीटियां मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे और डांस कर रहे थे, मतलब सीटियां तालियां तो शाहरुख की एंट्री पे बजी, और सेकंड हाफ में जब सलमान खान आते हैं, ओ माय गॉड, और जो एंड में जब इन दोनों का साथ में एक वापस सीन है, आपने अगर फिल्म देखी है तो आपको एक मालूम हो जाएगा कि जिस तरह से ये साथ में वापस आते और फिर जो सीटियां बजी और जो लोग बाहर निकले हैं, मतलब एक कंप्लीट एंटरटेनर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बड़ी फिल्म से, लार्जर देन लाइफ वेल मेड एंटरटेनर, वो इस फिल्म में आपको नजर आती है। ये एक, एक, एक दर्शक की हैसियत से आपने बता दिया है थिएटर के अंदर का। हाँ जी, हाँ जी। एक क्रिटिक की हैसियत से अगर हम पूछें तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा ये एक 2023 की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर रहेगी, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं 2022 फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए निराशाजनक रहा है। और बट पठान ने, मुझे यकीन है और ये मेरा दावा भी है कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बीमार फेफड़ों में ऑक्सीजन का काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है और जिस तरह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, पहला दिन आप देखना 50 करोड़ के ऊपर जाएगा हिंदी वर्जन का, ये ऐतिहासिक है। इससे पहले दो, अगर हिंदी फिल्मों की बात करूं, मैं KGF 2 की बात नहीं करूंगा जो डब थी, बट अगर मैं हिंदी दो फिल्मों की बात करूं तो एक पहले वॉर है, उसके बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान है। मुझे लगता है दोनों फिल्मों का आंकड़ा क्रॉस करेगी। हम देख रहे थे एडवांस बुकिंग में भी KGF 2 को पीछे छोड़, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। ये एडवांस बुकिंग में भी आप देखेंगे तो इस फिल्म ने नंबर 1 पोजीशन पे बाहुबली 2 है, हिंदी वर्जन बाहुबली का वो है, नंबर 2 पोजीशन पे पठान है, नंबर 3 पे KGF 2 है। तो यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शकों की कितना उत्साह था ये फिल्म को देखने के लिए। मैं नेशनल चेन्स की बात कर रहा हूं, नेशनल चेन्स यानी कि PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस, ये 3 जो मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं, इनका नेशनल चेन्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये रेटिंग, ये नंबर रैंकिंग है उनकी। और जिस तरह से इस फिल्म को आज दर्शकों ने, मतलब भीड़ थिएटर में नजर आई है, ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। और वाकई में जो हम ये दिन भूल गए थे, ये दिन ऐसा लग रहा था कि कब वापस आएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, सूखा पड़ा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, पर आज लगता है कि फिर वो बारिश हो गई है। एक आखिरी सवाल तरण जी के, इतना विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, लगता है कि शाहरुख के फैंस ने भी दिल पर ले लिया कि यार इस पिक्चर को तो हिट कराना है, कुछ फर्क, मतलब कंट्रोवर्सी का पड़ा है उससे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कंट्रोवर्सी जो होती है वो आपकी फिल्म को लाइमलाइट में लेके जाती है, चाहे आप उसे पॉजिटिव कहे चाहे नेगेटिव कहे, पर आप उसका जिक्र जरूर करते हैं, बराबर है। दूसरी बात यह है कि भाई, जो अगर आपने फैंस का जिक्र किया, मैं कहूंगा आम आदमी भी, ऑडियंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। वो उस वक्त भी चालाक थी, मैं 70s और 80s जब मैंने शुरुआत की थी, 70s में, 60s, लेट 60s 70s में, तब भी ऑडियंस बहुत चालाक थी, उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। और आज भी ऑडियंस उतनी ही चालाक है, उनको पता है कि उनको अपनी जेब में कब हाथ डालना और कब अपनी मेहनत की कमाई एक फिल्म पे लगानी है। तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि जो हम बोलेंगे आपको वही फिल्म देखनी पड़ेगी, नॉट एट ऑल। उनका अपना दिमाग है, वो जो चाहेंगे वो फिल्म देखेंगे, और उन्होंने आज पठान से साबित कर दिया कि जो भी जो कंट्रोवर्सीज हो रही थी, बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो हैं वो जब सामने आएंगे वो सब कुछ कह जाएंगे। गाजीपुर की शान, द होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जाम। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा।
जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस चुंगी हीरो एजेंसी के सामने लंका गाजी का।